घाघरा देख ले मेरा खूबसूरत सा, ये इनकी कुछ रस्म है, देख व्हाट दे डू। अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या गा रहे हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिकली जो लोग ये चीज गा रहे हैं ना, ये स्पेसिफिकली इस मटके के लिए है, पानी भरने के लिए, और मैं कहीं पानी नहीं भरने जा रही। अच्छा नहीं, मुझे अभी आप सबसे पहले तो ये बताइए जो आप गा रहे थे ये क्या। मैं पहले सब लोगों को बता दूं, बेसिकली ये जो अंदर से यहाँ तक लेकर आए हैं ये इनका मेहमान नवाजी का एक तरीका कार होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इनके तौर तरीके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, उसके अलावा भी किस तरीके से रह रहे होते हैं। सबसे पहले यू कुड सी माय घाघरा चोली एंड दुपट्टा जो बड़े अच्छे तरीके से पिनअप हुआ है, और ये चूड़ियाँ आई लव देम। ये वैसे तो यहाँ तक पहनती जाती है लेकिन ये है कि मेरे सिर्फ इतनी पहनी गई थी, दीज आर रियली ब्यूटीफुल। और जो जो मैंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ ना, एक्चुअली दैट सम काइंड ऑफ स्वीट और समथिंग, कि जब भी आपके पास कोई गेस्ट आता है तो यू गिव देम, उनको देते हैं और वो लेकर इसी तरह से पेश कर रहे होते हैं। सो दिस समथिंग दैट आई एम होल्डिंग। और ये सब लोग यहाँ के रिहायशी से तब की मुलाकात हुई, दीन उठो रहे था, देज में दीन उठो रहे थे, दीन उठो रहे इस तरीके से। अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं जो आप गा रहे थे अभी वो क्या था? सब यो दिया था भाई, दी जो टोरी है अपने घरों तो अपने घर टोर। अच्छा इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अ रस्म और समथिंग आई एम रियली एंजॉयिंग, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट। मेरे पास अल्फाज ना बड़े कम है आपकी मेहमान नवाजी के लिए, आपने इतनी कह लें कि मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, इतना प्यारा जोड़ा, आई एम जस्ट अमेज्ड के मुझे नहीं पता ये साइज कैसे इन लोगों को पता चला कि मेरा, लेकिन मुझे बिल्कुल फिट एंड परफेक्ट। बल्कि आपने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क है। मुझे लगता है मुझे इनसे सीख लेनी चाहिए मारवाड़ी और फिर मैं वो लैंग्वेज ही बोलना शुरू कर दूँगी, फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं यहाँ की लगूंगी, यहाँ की लगूंगी, तो मैं आप लोगों के साथ ही ना रह लूँ पका। मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं ना अपने बेटों को और अपनी बेटियों को। तो इस तरह से मैं हैरान जब मैं आई, चूंकि मुझे पता तो था कि वी गोना डू दिस इंशाल्लाह, हम लोगों ने चूंकि बहुत ज्यादा मेहनत से अल्टीमेटली फाउंड दैट प्लेस, तो मुझे पता तो था मैं यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन लोगों ने इतनी सारी अरेंजमेंट्स करके रखी हैं जस्ट फॉर अस एंड जस्ट फॉर मी, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्लैड टू मीट देम। और ये थी एक रस्म और एक तरीका कार इनका। इंशाल्लाह आगे जो है, क्योंकि मैं आज पूरा दिन यहीं पे हूँ और आप मुझे पूरा दिन इसी झोली में कह लेंगे और इसी घाघरे में देखने वाले हैं, सो अभी आगे चल के आपको दिखा रहे होंगे मजीद इनका कल्चर और मजीद चीज़ें क्या होती है। आई एम ट्राइंग के साथ साथ इनकी जो लैंग्वेज है ना वो भी सीखती चलूँ। आगे चलते हैं और इनकी अगली रस्में देखते हैं।
काली रोहार बेलो बल्ले बारियो तू तुम्हारी गारे वाली नार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या गा रहे हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिकली जो जो लोग ये चीज गा रहे हैं ना, ये स्पेसिफिकली इस मटके के लिए पानी भरने के लिए, और मैं कहीं पानी नहीं भरने जा रही। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली इनका ये तरीका कार होता है, दूर दूर टोबे होते हैं, टोबों से ये पानी भर के लाते हैं। सो अभी सिर्फ आपको ये दिखाया है, इसमें बस थोड़ा सा पानी अभी इसको रखेंगे और इसी तरह से आगे चल के आपको दिखा दे लूंगी और किस तरह से चीजें होती है। वाह वाह।